हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फीमेल्स की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें कौन सा पीरियड सेफ पीरियड होता है, कौन सा फर्टाइल पीरियड होता है और किस दिन उनका ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन डे। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब बात करते हैं इनके बेनिफिट क्या हैं। ऑब्वियसली अगर किसी फीमेल को प्रेग्नेंट होना है, कंसीव करना है, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि फर्टाइल पीरियड क्या होता है। और अगर किसी फीमेल को कंसीव नहीं करना है, अवॉइड करनी है प्रेगनेंसी, तो उसके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि सेफ पीरियड क्या है और फर्टाइल पीरियड क्या है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। किसी भी फीमेल को वैसे भी मालूम होना चाहिए कि उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या सेफ पीरियड होता है, कब उसका ओव्यूलेशन होता है और कब से उनका फर्टाइल पीरियड होता है। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इनके बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए हर फीमेल को कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज़ की होती है। अब आप ये कैसे काउंट करेंगे, तो आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट पीरियड आता है उसका जो फर्स्ट डे है उसको कैलेंडर में मार्क कर लेंगी, और फिर नेक्स्ट मंथ में जो आपका नेक्स्ट पीरियड आता है उसके फर्स्ट डे को मार्क कर लेंगी, और दोनों के बीच के जो डेज़ हैं उनको आप काउंट कर लेंगे, वही आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूँ, जैसे कि सपोज़ कीजिए आपका जो पीरियड स्टार्ट हुआ 1 जनवरी को हुआ, ठीक है, फिर जो नेक्स्ट पीरियड है वो आपका 3 फरवरी को हुआ। ठीक है, तो दोनों के जो फर्स्ट डे हैं यानी कि 1 जनवरी और जो नेक्स्ट पीरियड का फर्स्ट डे है यानी कि 3 फरवरी, दोनों के बीच के जो डेज़ होंगे आप उनको काउंट कर लेंगे और वही आपके हो जाएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो गैप है ये अराउंड 30 डेज़ का है, तो इट मींस ये आपकी साइकिल हो गई तो 30 डेज़ की। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपना भी चेक कर सकती हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, और अगर आपको लगता है आपकी जो डेट है बार बार हर महीने चेंज हो रही है, क्योंकि एक दो दिन ऊपर नीचे चलता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी 25 दिन की है, कभी 30 दिन की, कभी 32, तो इट मींस आपको कोई हेल्थ इशू हो सकता है, हार्मोन प्रॉब्लम हो सकती है, आपको अपने गायनेक को कंसल्ट करना चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग अब आपको पता लगाना है ओव्यूलेशन डे का सेफ पीरियड और अनसेफ पीरियड का। तो वो कैसे पता लगाएंगी, उसके लिए सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि आपका ओव्यूलेशन कब होता है, इट मींस आपका ओव्यूलेशन डे कौन सा है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर ओव्यूलेशन डे होता क्या है। तो इस दिन जो आपका एग होता है ओवरी से रिलीज होता है और वो पूरा तैयार हो जाता है स्पर्म से फर्टिलाइज होने के लिए, तो इस दिन को हम बोल देते हैं ओव्यूलेशन डे। तो ये आपको जानने के लिए क्या करना है, जो आपका नेक्स्ट पीरियड आने वाला होता है उससे 2 हफ्ते पहले यानी कि 14 डेज़ माइनस करके जो डेट आती है आपकी, वो होता है आपका ओव्यूलेशन डे। ठीक है, इट मींस जो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था 1 जनवरी का और 3 फरवरी का, ठीक है, यानी कि जो 3 फरवरी है उससे पहले आप 14 डेज़ माइनस कर लेंगी, 3 फरवरी से 14 डेज़ माइनस करने पे जो डेट आती है आपकी, इट मींस 19 जनवरी को आपका ओव्यूलेशन डे होता है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी आप पता लगा सकती हैं कि कौन सा डे आपका ओव्यूलेशन डे है। जो आपका नेक्स्ट पीरियड आने वाला है उससे आपको 2 हफ्ते माइनस करना है यानी कि 14 डेज़ माइनस करने हैं, तो जो डे आएगा आपका वो आपका ओव्यूलेशन डे होगा। याद रखें, जो पीरियड आपका आ चुका है उसके बाद के 14 डेज़ काउंट ना करें, जो नेक्स्ट आने वाला है उससे पहले के 14 डेज़ माइनस करने हैं। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ओव्यूलेशन डे हर फीमेल के लिए अलग अलग हो सकता है, ये डिपेंड करता है उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर कि वो कितने डेज़ की है। इट मींस यानी कि अगर किसी फीमेल की 28 दिन की है तो उनके लिए अलग होगा, किसी की 30 दिन की है या 32 दिन की है तो उनके लिए उनका ओव्यूलेशन डे अलग होगा। तो जो मेथड मैंने आपको बताया उसकी हेल्प से आप उसको काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक आइडिया मिल जाता है आपके ओव्यूलेशन डे का कि आपका ओव्यूलेशन कब होगा। इसमें आपका एक दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपका उसी अराउंड 2 हफ्ते पहले ही आपका ओव्यूलेशन होता है। उसके साथ साथ ही कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि जो आपका वजाइना का डिस्चार्ज होता है, सर्वाइकल म्यूकस होता है, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो उसका अमाउंट बढ़ जाता है, और वो जैसे कि बिल्कुल एग वाइट होता है उस टाइम पे वैसा देखने को मिलेगा। तो आप इस तरह से भी आप अपने जो वजाइना डिस्चार्ज को देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ भाई, अब आपका ये आपका फर्टाइल पीरियड चल रहा है,
ठीक है। और उस टाइम पे जब आपका ओव्यूलेशन डे होता है, आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। उसको रोज़ रोज़ देखना आई थिंक ये इतना आसान नहीं होता इसको, क्योंकि जो टेम्परेचर राइज़ होता है वो भी बहुत हल्का सा होता है, वो एक ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको टेम्परेचर राइज़ मिलेगा। लेकिन फिर भी हाँ, उस दिन आपका जो टेम्परेचर होता है वो राइज़ हो जाता है। और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे सिम्टम भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि जब आपको पीरियड्स होते हैं, जब आपको पेट में दर्द, सर में दर्द, या फिर जो आपकी ब्रेस्ट है उसमें आपको हल्का सा टेंडरनेस, तो इस टाइप के सिम्टम्स आपको ओव्यूलेशन डे पे भी मिल सकते हैं। तो इस तरह से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये आपका ओव्यूलेशन डे को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने ओव्यूलेशन डे निकाल लेंगी, और उसी के बेस पे आप कैसे सेफ और अनसेफ पीरियड निकालेंगी वो भी मैं बता देती हूँ। जो आपका ओव्यूलेशन डे है उससे पहले के 5 दिन और उसके बाद का 1 दिन, यानी कि टोटल हो गए आपके 7 डेज, ये 7 डेज आपके फर्टाइल डेज कहलाते हैं। ये आपका ऐसा पीरियड होता है जिसमें अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, तो अगर आप फिजिकल रिलेशन बनाएंगे तो आपके कंसीव करने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। और इन 7 डेज के अलावा जो भी आपके डेज हैं वो आपके नॉन फर्टाइल डेज कहलाते हैं, यानी कि उसमें अगर आप करते हैं फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो आपका सेफ रहता है, आप वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करेंगे। आई थिंक इससे आपको आइडिया लग गया होगा क्या आपका ओव्यूलेशन डे है, क्या आपका सेफ पीरियड है और क्या आपका अनसेफ पीरियड है। इसके साथ साथ आपका ये जानना भी ज़रूरी है कि जो आपका एग होता है उसका लाइफ स्पैन 24 आवर्स का होता है, यानी कि सिर्फ 1 दिन तक ही आपका एग जीवित रहता है, यानी कि अगर उतने में अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। और जो मेल स्पर्म होता है वो 4 से 5 दिन तक जीवित रहता है, तो इसीलिए फीमेल को एडवाइज़ किया जाता है कि जो आपका फर्टाइल पीरियड है उसमें जो 7 डेज हैं उसमें कोशिश करें आप रेगुलर फिजिकल रिलेशंस बनाएं अगर आप कंसीव करना चाहती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको कुछ नॉलेज मिली होगी आपके सेफ और अनसेफ पीरियड के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।